तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब बाहुबली थर्ड आ रही है, यानी इसका तीसरा पार्ट आ रहा है। वही बाहुबली जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे, वही बाहुबली जिसने पैन इंडिया, साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री क्या होती है कुछ पता नहीं, क्योंकि इंडिया की हर वो इंडस्ट्री के फॉलोअर यानी हर वो इंडस्ट्री के व्यूअर्स ने इस मूवी को देखा था और भरपूर मजा लिया था। लेकिन भाई अबे साले, बात यह है कि मूवी आ रही है जो थर्ड पार्ट है, इसमें भी खुद एस एस राजामौली हैं इसके क्रिएटर एंड डायरेक्टर, तो स्टोरी का पार्ट हल्का हो जाएगा ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। स्टोरी का पार्ट दमदार होने वाला है। ट्रेलर आया है, क्राउन ऑफ ब्लड करके आया है भाई इसका ट्रेलर, और जो कहानी जो दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी बाहुबली में जो कूटनीति खेली गई थी भल्लाल देव के द्वारा अपने भाई से वो सत्ता छीनने के लिए, उसके बाप ने और दोनों ने मिलकर जो भी कूटनीतियाँ खेली, एवरीवन नोज कहानी क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ सभी ने वो मूवी देखी ही होगी। तो उसके आगे की कहानी यहाँ पर दिखाने वाले हैं एस एस राजामौली साहब, और लिटरली एक्साइटमेंट है। बस बात यह है कि भाई ये मूवी आ रही है एनिमेशन में, एनिमेटेड ट्रेलर देखने को मिला है तो मूवी एनिमेशन में ही आने वाली है। ठीक है, एनिमेशन भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा सा बजट और खर्च कर लेते। आजकल बहुत एडवांस हो चुके हैं, एनिमेशन थोड़ा और भी दमदार हो जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि कार्टून इतने रियलिस्टिक लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। क्योंकि हाँ, दूसरा ये जो क्रिएटर हैं वो हैं द मेकर्स ऑफ हनुमान, हनुमान जो भी करके आई थी हनुमैन, इंडिया की फर्स्ट सुपर हीरो मूवी, लो बजट वाली सुपर हीरो मूवी जिसको अपार सफलता मिली और लोगों ने पसंद भी किया था, तो यार थोड़ा तो अपग्रेड होना चाहिए था एनिमेशन में। बाकी अगर बात करें कि भाई मूवी में क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, तो भाई प्रॉमिसिंग है, ट्रेलर तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें जुड़ते हुए भी आ रहे हैं। नया दुश्मन इंट्रोड्यूस करा गया है रक्तदेव नाम से, जो क्या करना चाहता है, माहिष्मती पर रूल नहीं करना चाहता है, माहिष्मती को पूरा जड़ से ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई साहब कटप्पा जो है इस बार माहिष्मती की तरफ से नहीं लड़ रहा है, रक्तदेव की तरफ से लड़ रहा है। तो क्या कटप्पा बाहर से आया था? फिलहाल भाई बाहर से तो नहीं आया था, लेकिन ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग वे में बोल रहा है कि ये बाहर से आया है, क्योंकि खुद मूवी में एक बार खाना खिलाते वक्त अपने सो कॉल्ड मुँह बोले भांजे को यानी बाहुबली को, कटप्पा साहब जब खाना खिला रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी, और एक दो बार और राजमाता के सामने भी ये बात कही थी कि हमारे जो भी दादा परदादा थे, जो भी थे हमारे पुरखे और जो आने वाली पीढ़ी है, उन्होंने कसम खाई है कि भाई साहब शाही परिवार को अंगरक्षक बन के ही रहेंगे, उनकी सेवा में ही रहेंगे हम लोग। तो इट मीन्स ये कि वो बहुत पहले से ही वहीं थे, लेकिन कटप्पा कहीं ना कहीं कुछ दिमाग से हेर फेर हुई होगी और वो रक्तदेव की तरफ चला गया होगा। तो वो तो फिलहाल मूवी में ही पता चलेगा कि व्हाट इज़ द मेन रूट कॉज कि कटप्पा को वहाँ से वहाँ जाना पड़ा। क्योंकि एक चीज़ ये भी पुष्टि करके गई जब क्या कहते हैं बाहुबली या फिर किसी ने खुद यही बोला था कि भाई अपने गुरु के खिलाफ सेना कैसे लड़ सकती, यानी कटप्पा ने उन्हें बिल्कुल ट्रेन कर रखा है, बस कुछ टाइम के लिए वो रक्तदेव के पास जा चुका है, हो सकता है कुछ मैजिकल वैजिकल थिंग्स में देखने को मिलेंगी जो कटप्पा के दिमाग के साथ खेल चुका होगा। तो भाई ट्रेलर दमदार है, वेट है इस चीज़ के लिए, एंड आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो। भाई एस एस राजामौली यार, वो बंदा जो अपनी राइटिंग से दहला देता है, बाहुबली जैसा प्रोजेक्ट किसी ने अज्यूम इमेजिनेशन कुछ भी नहीं किया था, और जिस हिसाब से वो लेके आए थे भाई, उसका रिप्रेजेंटेशन, वो विजन जिस हिसाब से उन्होंने रखी थी अपनी नज़र में, और उस विजन को जिस हिसाब से वो रिप्रेजेंट करा और लोगों से वो कनेक्ट करके गया, वही चीज़ हिट करके गई थी। तो इनकी क्रिएशन में तो भाई कोई शक है ही नहीं। तो यहाँ से आइडिया तो मिल जाएगा कि बाहुबली जो थर्ड पार्ट है, भाई बहुत लोग कह रहे थे कि मूवी कब आएगी, स्टोरी में अगर दम हुआ, इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो डेफिनेटली आएगी। मिलते अगली वीडियो पर, जय हिंद।